नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आई टी आई फाउंडेशन क्लासेस में। तो 30 सितंबर 2023 को यह गवर्नमेंट ITI में आने वाली अनुदेशक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स जो है वो दी गई है। ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के जितने भी तकनीकी बेरोजगार युवा है, चाहे वो ITI से हो, पॉलिटेक्निक या फिर BTech से, वो सभी गवर्नमेंट ITI में अनुदेशक वैकेंसी का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने इस वैकेंसी के लिए घोषणा भी की है, वादा भी कर रखा है, बट अभी तक जो है नोटिफिकेशन इस वैकेंसी का जारी नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए, बताया गया है कि प्रदेश की 311 सरकारी ITI में अनुदेशकों के 85% पद रिक्त, घोषणा कर भूल गई सरकार। पद कितने खाली हैं? 85%। अब ये सोचने वाली बात है कि सरकार को ये चीज़ समझ में आती है या नहीं समझ में आती कि यार जब 85% पद खाली हैं तो इन ITI कॉलेजों के अंदर क्या खाक पटाई होती होगी। आप अनुमान लगाए यार, 85%, 10-15% पद खाली हों तो भी दिक्कत होती है पढ़ाने में, तो यहाँ पे तो 85% जो है पद खाली है, उसके बावजूद ITI कॉलेजेस भी चल रही है, तो ऐसा कैसे संभव है? कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है पढ़ाई के साथ धोखा हो रहा है, पढ़ाई के नाम पे जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है स्टूडेंट्स को। जो युवा हैं, जो इस महत्वाकांक्षा, इस इच्छा के साथ ITI करने जाते हैं कि यार ITI करने के बाद ही उनको जो है कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिलेगी, ITI कॉलेज के अंदर वो बढ़िया से सीखेंगे, कुछ स्किल्स उनका डेवलप होगा, तो आगे जाके इन फ्यूचर कहीं ना कहीं कंपनीज में या गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर बना पाएंगे। बट यहाँ पे देखिए यार, जब 85% पद खाली हैं, टीचर ही नहीं है, तो फिर कैसे पढ़ाई हो पाएगी? और इसके बाद देखो यार, सरकार ने भी देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी गलती जो है वो कर रखी है कि घोषणा कर रखी है, वैकेंसी की घोषणा कर रखी है, घोषणा करने के बावजूद अभी तक जो है वैकेंसी नहीं जारी हो पा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है राजस्थान सरकार से स्पेशली ये निवेदन रहेगा कि आप लोग जो है जल्द से जल्द ये वैकेंसी जारी करो, ताकि ITI बेरोजगार युवाओं के साथ जो है थोड़ा सा उनको एक रोजगार जो है करियर बनाने का मौका मिल सके, अवसर मिल सके, साथ ही साथ उन सभी स्टूडेंट्स का भी भला हो जो गवर्नमेंट ITI कॉलेजेस के अंदर जो है ये सोच के एडमिशन लेते हैं कि यार कहीं ना कहीं वहाँ पे उनको बढ़िया एजुकेशन सिस्टम मिलेगा, तो टीचर होंगे तब जाके जो है उनके ड्रीम्स पॉसिबल हो पाएंगे, उनको कुछ सीखने का मौका मिल पाएगा, तब जाके जो है वो इन फ्यूचर देश के लिए कुछ कर पाएंगे। अब इसे अगर उनके साथ ऐसे अत्याचार होंगे, ऐसे बेवकूफ़ी भरे डिसीजंस जो है उनके साथ में, उनके करियर को लेकर जो है खिलवाड़ होगा एक तरीके से, तो कैसे जो है वो राष्ट्र के लिए कुछ योगदान दे पाएंगे? तो उसमें उनकी गलती नहीं होगी, उसमें डायरेक्टली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गलती होगी, इसकी जिम्मेदार डायरेक्टली सरकार है। तो ऐसी परिस्थिति ना बने, ऐसे जो है नेगेटिव चीज़ें अपने यहाँ ना हो, इसके लिए जो है सरकार से निवेदन रहेगा कि आप लोग जो है जल्द से जल्द ये वैकेंसी जारी करें, ताकि जिनको रोज़गार चाहिए उनको रोज़गार मिल सके, और जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनको बढ़िया सीखने का अवसर मिल सके। टीचर होंगे तो ही स्टूडेंट्स जो है सीख पाएंगे, ये हम सभी लोग जानते हैं, समझते भी हैं इस चीज़ को। तो ऐसा जो है बिल्कुल ही डैमेज्ड सिस्टम जो है एजुकेशन सिस्टम, बिल्कुल ही ख़त्म शिक्षा प्रणाली अपन ना रखें, बढ़िया जो है इसमें सुधार हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद रहेगा कि जल्द ही जो है गवर्नमेंट ITI कॉलेजेस के अंदर वैकेंसीज जो है अनुदेशक की वैकेंसी, उसके लिए सरकार जो है जल्दी नोटिफिकेशन जारी करेगी। सरकार से लगातार काफ़ी लंबे से और भी बहुत सारी वैकेंसीज है, जलदाय विभाग वैकेंसी है, रोडवेज विभाग वैकेंसी है, उसके अलावा विद्युत उत्पादन में भी घोषणा कर रखी है। यह तो केवल मैं वो वैकेंसीज बता रहा हूँ जो केवल ITI स्टूडेंट्स को चाहिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज होती है जिनकी घोषणाएं कर करके जो है गवर्नमेंट आती है चली जाती है, ऐसे सिस्टम चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम की वजह से भी जो है एक राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास के लिए भी जो है कहीं ना कहीं नुकसानदायक चीज़ें हैं। तो उम्मीद रहेगी कि जल्दी जो है इस मांग पे, ये जो रियल मांग है, एक्चुअल मांग जो जो जरूरी है, जो बहुत ही ज़्यादा नीड है जिसकी, उसके ऊपर सरकार ध्यान देगी और जल्दी वैकेंसी जो है जारी करेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।